भाई क्या करें, अंकल परेशानी जी। इतनी हो रही है कि बच्चों को रोटी खिलाना भारी पड़ रहा है। हाँ तो अंकल मैं इसी वजह से आया था कि मैंने देखा, मतलब यहाँ पे मैं निकल के गया था ना एक दिन, तो मैंने देखा कि यहाँ पे आपको कितनी बड़ी परेशानी हो रही होगी। तो लॉकडाउन में, मतलब जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो आपको खाने होने के लिए खाना पहुँच रहा है यहाँ पे कहाँ कहाँ गवर्नमेंट पहुंचे हैं? में? एक ही दफ़ा आया था एक दो खाना, दफा आया था, लॉकडाउन वो आया देखे था, कैसे पुलिस वाले आके पुलिस देखे वाले थे। आए थे, वो लिख के लेके पहले तो फिर अच्छा बाद में आके देखे गए। इसके बाद कोई आ ही नहीं रहा, आ रहे हुए तो उधर तो दूर 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 अखबार में तो सुनते हैं, तो दूर दूर तक बांट रहे, इधर कोई आ ही नहीं रहा। कोई नहीं आ पा रहा आपके पास। अच्छा बाकी अभी काम धाम कुछ आपको चल रहा है? काम कहाँ चल रहा है, ये बच्चों का सामान थोड़ा दो, ये 100 का 50 का बेच के बच्चों को रोटी खिला दो। तो मतलब, अरे ना फोन नंबर से दिया खाने, ये ले लीजिए। तो खाने पीने की मतलब फिर तो काफी दिक्कत हो रही होगी। अब खाने दिक्कत हो कैसे, रही है, क्या आटा करें, नहीं है, चीनी नहीं है, तेल नहीं है, क्या करें। बच्चों मतलब को आटा चावल भी नहीं है, आटा चावल नहीं है, साबुन नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए साबुन सरफ वो भी नहीं है। और यहाँ पे रहने में भी काफी दिक्कत का सामना देखा जाता अब है। मच्छर काट रहने दे, का दूसरे काट दे, काट दे, चलो लाइट का भी मतलब कोई साधन लाइट नहीं है, वाइट लैट कोई नहीं, प्रॉब्लम। तो चलो बाबूजी, क्या है कि जो मुझसे अपनी तरफ से हो पाएगा मैं कोशिश बहुत करूंगा। बहुत आपका जो भी मेहरबानी, आटा चावल है, बहुत आलू है, मेहरबानी होगी आप। जो भी खाना तीन बनाने के परिवार रह लिए, रहे भैया, क्या करें, तीन परिवार अठारह बीस में। बंदे हैं। अब बताओ बच्चों को तो रोटी तो चाहिए, अब ये बच्चे क्या हाँ करेंगे, छोटे छोटे काम करने बच्चों का सही बात लाएंगे, है, इनको रोटी तो चाहिए चाहिए। छोटे बच्चों को सही बात है, रोटी भी चाहिए। तो आंटी जो भी सामान मैं अभी ला देता हूँ आपको, जो भी पॉसिबल मैं बहुत कर मेहरबानी, पाऊंगा, बहुत मेहरबानी। आटा चावल है आपका, आलू है, तेल वगैरह जो भी सामान है मैं ला देता हूँ। हैं साबुन सीधी वाबन पत्ती मिल जाए साबुन, हाँ भैया, हाँ बहुत डेफिनेटली। मेहरबानी। जी हमारे तो ऐसे कहीं जा ही नहीं, देखे बताओ मोटर गाड़ी चले, हमारे बच्चा फेरी करके गुजारा करते थे, अब फेरी गिलास कहाँ बेचते जाएगा थे था। बच्चे, अब वो गिलास कहाँ क्रॉकरी का बेचते सामान थे, नहीं वो होता सामान तो वो थोड़ा थोड़ा बेचते थे। बेचते थे, 50 50 60 60 का बेचते बेचते, वो ही खत्म हो गया। अच्छा क्या बताओ, करें, कितने प्यारे बच्चे हैं, और खाना नहीं खाएंगे बताओ, क्या इनके करें, मुंह लटके पड़े हैं। और क्या करें। अब इनको बच्चे का कोई फ्रूट भी नहीं मिल रहा है, कहाँ से खिलाए, हमारे पास हाँ पैसे नहीं है तो कहाँ से खिलाएंगे। सही बात है, सही बात है। बच्चे खाने वाले हैं, जी, जैसे हम काम करते थे तो काम करके माँ बाप तो लाके खिला ही देते थे बच्चों को। बिल्कुल। वही तो, ना चलो जो भी सामान मैं अभी ले आता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है अंकल, और फिर मैं भी दे बहुत जाता हूँ मेहरबानी होगी आपको। आपकी। हाँ ठीक है बच्चों, क्वालिटी तो बढ़िया है। इसके अंदर आंटी बोल रही थी ना, ये ले लो तो खाओ। ये आंटी जी, ये आपका देखो प्याज आ गया, ये भी प्याज है, दो फैमिली का खिलाया हूँ। इसमें आलू आ गए, इसमें आलू, और आपका ये इसमें आटा है, ठीक है, इसमें आटा ही, और ये आपका ऑयल हो गया। तो इससे ये है कि इसमें जो भी चलेगा, मतलब आपका 4 6 दिन का खाने की आई थिंक दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बाकी ऐसा है, मैं अपना नंबर दे दूंगा आपको लिख के, कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो आप मुझे बता देना, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक। तो इससे ये है कि खाने, क्यों भाई ठीक है ना, अपने खाने की दिक्कत थोड़ी बहुत, और इसमें कोई ऐसा कुछ है नहीं कि मैं अपनी तरफ से जो कर रहा हूँ, कोई नहीं, कोई नहीं, हमारी टीम की तरफ से जो हो रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है आंटी। नंबर हो तो दे दो आपको। हाँ मैं अपना नंबर दे देता हूँ लिख के। बच्चों इधर आओ, मतलब कितने प्यारे बच्चे हैं ना एकदम, मतलब मुझे ना, मैंने ना देखा एकदम मुंह उतरे पड़े हैं बेचारों के। क्या नाम है तुम्हारा? कोमल। कोमल, बहुत प्यारा नाम है, पता है तुम्हारा नाम क्या है? राजवीर। राजवीर। अच्छा राजवीर, आपका नाम? सिमरन। सिमरन, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा, ठीक है आराम से खाना। और तो आंटी क्या कहना चाहोगी, मतलब जो लोग मतलब परेशानी के सामना कर रहे हैं कुछ लोग, तो उनके लिए मतलब लोगों को क्या करना चाहिए, जैसे बाहर जैसे आप फंसे हुए हैं, तो ऐसे लोग फंसे पड़े हैं, तो उन्हें सबको मतलब ये परेशानी हो रही होगी, हैं सारों को परेशानी हो रही होगी इस टाइम, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से क्या काम वाम का क्या कहना चाहेंगे? काम वाम का तो बंद ही पड़ा, काम क्या करें, बच्चे हमारे तो फेरी करते थे, काम बंद ही पड़े का सामान, गिलास विलास, कप होते, गिलास होते नहीं, वो बेचते थे। अच्छा तो लॉकडाउन में ना कुछ काम चल पा रहा है, और रहने की तो है ही परेशानी, खाने तक की परेशानी है, ठीक है आंटी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ मैं नंबर दे देता हूँ।